मुझे 5 तारीख को पुलिस प्रशासन की ओर से एक कॉल आया और पूछा गया कि आपको वार्ता में सम्मिलित करना चाहते हैं, आप इसके लिए क्या सोचते हैं। तो मुझे सामान्यतः मैंने पूछा कि वार्ता का क्या विषय रहेगा और किन लोगों से वार्ता करना पड़ेगी। तो मुझे अगले दिन फिर बताया गया कि तब तक मैं अखबार पढ़ चुका था और मेरे सामने ये समस्या आ गई थी कि जो दंडकारण जोनल कमेटी के प्रवक्ता श्री विकल्प हैं, उन्होंने ये बात रखी थी कि हम जो राकेश्वर मन्हास जो जवान हैं उनको सबके सामने जो ये जो समिति है उसी के सामने रखेंगे। तो मैं समझ गया, मैंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और 7 तारीख को हम लोग यहाँ से रवाना हुए 5:30 बजे रात को, और करीब 12:30 बजे हम लोग बीजापुर से बासागुड़ा, बासागुड़ा से तर्रेम पहुँचे। तर्रेम में हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया और सवेरे जो पत्रकार लोग वहाँ आना जाना करके माहौल बनाने का काम कर रहे थे उनके साथ में हम लोग घूमते घूमते जीरा गांव से जूनागुड़ा में जो उनके लोग थे उन्होंने भी रास्ते में मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ हो लिए। वहाँ से टेकलागुड़ा और हम लोग तुमरपाड़ा पहुँचे जहाँ हमारी ये सब चर्चाएँ होनी थी, जहाँ जो सभा होनी थी जनता ना सरकार की, वहाँ पर हम पहुँचे और 12 बजे तक सब लोग इकट्ठे होते रहे। वहाँ हम लोगों ने भोजन किया। भोजन के बाद में एक हमारे में से जो 4 लोग थे हम लोग, एक मैं था, मेरे साथ में जरूर करके हमारे कार्यकर्ता भाई रहे हैं, वो उनको साथ में लिया था, और दूसरे थे तेलामी गुरुजी जो गोंडवाना समाज के अध्यक्ष हैं, तो वो और गोंडवाना समाज के उपाध्यक्ष हैं सुखमती हपका, वो सवेरे वहाँ पहुँचे और सवेरे हम लोगों का वहाँ से 4 लोग और 7 पत्रकार वहाँ से निकले। तो उन लोगों में से पहले ग्रुप को उन्होंने वहाँ पर बातचीत के लिए बुलाया, जिसमें सुखमती हपका जी और तेलामी जी थे। उन तब उसके पहले हम लोग अपना चर्चा विनिमय कर चुके थे कि हम सब समाजसेवी लोग हैं और हमारा काम मध्यस्थता करना है, ये मध्यस्थता समिति के सदस्य लोग हैं हम लोग और दूसरे किसी के लिए हम अधिकृत नहीं हैं। तो और आपस में हम लोगों ने चर्चा जो की थी, उस ग्रुप ने मेरे को लगता है तेलामी जी ने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था करी, तो दूसरे ग्रुप को हमको बुलाने के बजाय उन लोगों सेम वहीं पर स्थान पर आ गए और वहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई। जो उनकी कमांडर थी उन्होंने वहाँ अपनी बातें रखी और गोंडी में रखी, इसलिए बाद में मुझे बताया गया कि उनकी प्रमुख मांगे थी ये कि जो जवान हैं इसको इनके घर पहुँचाया जाए और उनके परिवार के साथ में हम एक फ़ोटो देखना चाहते हैं, और ये समिति का काम रहेगा कि वो समिति इनको शासन को सौंप दें, और ये समिति का काम रहेगा कि वो समिति इनको शासन को सौंप दें। नंबर 2 जो मुझे बताया गया उसमें ये भी था कि भाई आप हम पकड़ते हैं तो आप आग्रह करते हो कि छोड़ दो, लेकिन जो बेगुनाह लोग पकड़े गए हैं उनके लिए भी सोचा जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। जब जवान को वहाँ लाया गया तो वो जो क्षण सबके लिए कष्टप्रद तो थे, और जब उनको खोला गया, रस्सी ऐसी खोली गई, तो उनसे सभी लोगों ने प्रश्न पूछे हैं और सबके प्रश्न एक ही थे कि आपको परेशान किया गया था। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ना मुझे आतंकित किया गया, ना मुझे धमकी दी गई, ना मुझे प्रताड़ित किया गया है, ना टॉर्चर किया गया है, खाना पीना भी दिया गया है वगैरह वगैरह, सबको अनुकूल बातें बताई और मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ, और आप लोगों ने भी जो प्रयत्न किए हैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और उनसे एक सवाल पूछा गया, 2 सवाल जरा टेढ़े मेढ़े थे। एक सवाल था कि आप अगवा कैसे हो गए, तो बोले जब एनकाउंटर हो रहा था तो उस समय मैं बेहोश हो गया था, शायद पानी कमी कारण से उनको बेहोश हुई थी। जब मैं उठ के अकेला था, जा रहा था, तो अगवा किया गया। दूसरा उनका, जब ये सब फोटोग्राफी वगैरह हो रही थी तो हम लोगों की चर्चा उनके परिवार से विशद बीजापुर में करा दी गई थी, तो हमने उनको उनके परिवार के जो छोटे छोटे टिप्स के रूप में उनको परिवार की बातचीत उनको बताई थी, थोड़ा वो संतुष्ट हुए, लेकिन बड़े व्यग्र थे
जल्दी चलने के लिए, और स्वाभाविक था उनका बगल होना। तो वहाँ पत्रकारों की तरफ से सवाल आया कि हमको बहुत कुछ जानकारी इकट्ठी करनी है, तो आज का रात को हम ठहर सकते हैं? तो मैंने पहले तो उनको इजाज़त दे दी थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये इजाज़त देना अनुचित है। तो फिर हम लोगों ने जाने का फैसला किया, और जब हम लोगों ने जाने का फैसला करके हम मोटरसाइकिल पर बैठने लग गए, तब उनके चेहरे पर पहली मुस्कान आई, जिसने हम लोगों को थोड़ा सा जो छोटा मोटा तनाव हमारे मन में था वो दूर हुआ, और हम सब अपने उनके साथ में बैठ के तर्रे में आ गए, और तर्रे में हमने जो कोबरा बटालियन के कमांडर साहब थे उनको सौंप दिया पत्रकारों ने, हम सब ने मिल करके। पत्रकार फिर अपने काम के लिए दूसरे जगह चले गए, हम लोग तर्रे में रहे, और तर्रे के अधिकारियों को जो तेलामी जी और हम सब लोगों ने मैंने मिल करके वहाँ के सारे अधिकारियों को ये बात बता दी कि इनको भाई आप घर जरूर भेजेंगे, और घर भेजने के बाद में इनकी फ़ोटो भेजेंगे। उन्होंने उसको स्वीकार भी किया है, माना है कि हम छुट्टी में भेजेंगे उनको, और अभी लेकिन हम मेडिकल जांच के लिए उनको एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी, उन्होंने बैठा के एम्बुलेंस में उनको जांच पड़ताल के लिए भेज दिया। इस तरह से हम लोग रात को हम लोग अपना ये काम पूरा करके एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे माहौल में ये काम पूरा करके हम लोग रात को वापस आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि कैसे नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? देखिए, ये एक अपने तरह का अलग आंदोलन है, और अब उन्होंने घोषित कर रखा कि ये जन युद्ध भी हो गया, ये खाली जन आंदोलन नहीं है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, क्या जाए, ये तो इसके लिए तो बहुत सरकार को भी अपने ढंग से सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि किसी, चाहे वो आंदोलन हो चाहे युद्ध हो, अंत उसका टेबल बातचीत की टेबल पर ही होता है। तो हमको अपने बातचीत की जो टेबल है वो कभी भी माइनस नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कब करना है ये तो वो दोनों ही अपने लिए अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। आपको मध्यस्थता के लिए चुना गया था, क्या पहली दफ़ा है या इससे पहले? नहीं, ये पहली, मुझे पहली बार ही जाना। चुनौतीपूर्ण रहा क्या भाई? हाँ, चुनौती नहीं भैया, तो भाई तो मुझे कभी लगता ही नहीं है। हाँ, मोटरसाइकिल जाने में थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, बाकी मुझे कभी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भय महसूस नहीं किया।